नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सादा ब्लाउज की कटिंग। सादा ब्लाउज सिंपल काटने बहुत ही आसान है। तो जैसा कि अगर आप 34 साइज की या 36 साइज की ब्लाउज कटिंग करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आपको इस कपड़े को इस तरह से घड़ी करना है। जैसा कि आप अगर 34 इंच की साइज से कटिंग करना चाहते हैं तो आपको इसका चौथा भाग 8.5 इंची रखना है और आपको 2 इंची इसमें लूजिंग के लिए प्लस रखना है, यानी ज़्यादा रखना है। तो इस तरह से आप इसको घड़ी कर सकते हैं। अब इसको हम इसमें 2 भागों को डिवाइड करेंगे। इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया, आप देख सकते हैं। तो यह एकदम सिंपल ब्लाउज है, इसको ज़्यादा डीप गला हम नहीं इसमें रखेंगे। तो इसमें इसकी लंबाई जो हम 13 इंची रखते हैं तो हम यहाँ 13.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं और यहाँ से हम इसको ऐसे लाइन खींच देते हैं एक, और यहाँ से शोल्डर जो है इसको हम रखेंगे 12 इंच, क्योंकि डीप गला नहीं है ये। अगर डीप गला होता तो हम इसको 4.5 इंच से लेकर 5 इंच तक रखते हैं इसको। इसको हमने इसके लिए 5.5 इंच 6 इंच रखा हुआ है। तो यह एक वृद्ध महिला का ब्लाउज है। तो सामने का गला, जो फ्रंट का गला है, वो हम रखेंगे 5 इंच और यहाँ से इसको रखेंगे 2.5 इंच। तो यहाँ से हम इसको गोलाई दे देते हैं इस तरह से, और इसका आर्म होल है जो, वो हम रखेंगे 5 इंच। तो यहाँ से इसको इस तरह से हम इसको घड़ी करेंगे, लाइन खींचेंगे, यहाँ से हम कल सेव करेंगे। इस तरह से हमने सेव कर दिया। अब यहाँ से इसको हम रखेंगे 9 इंच पर, इसको जो डॉट का निशान है इसमें 4 डॉट वाला है, 4 यानी 4 फोर्टेक्स का, और इसमें हम 1-1 इंच का गैप रखेंगे। तो यहाँ से हम इसको सबसे पहले ऊपर वाला जो डॉट है और ये जो है साइड वाला डॉट जो है और ये फ्रंट सामने का डॉट है और ये सेंटर का डॉट है, इसको हम सेंटर वाला सेंटर बोलते हैं। तो इस तरह से आप मार्जिन कर सकते हैं और इसको कटिंग करना ही तो अगर आप इसमें योग पट्टी निकालना चाहेंगे तो योग पट्टी भी निकाल सकते हैं, यहाँ से 3.5 इंच, और इस तरह से आप इसमें योग पट्टी भी निकाल सकते हैं। तो ये थी फ्रंट की कटिंग। अब बैक का गला जो है वो हम रखेंगे 6 इंच और यहाँ से 2.5 इंच। तो यहां से 4.5 इंच आप डॉट का निशान लगा सकते हैं। यहां से इस तरह से डॉट का निशान लगा लीजिए आप, और थोड़ा सा जो फ्रंट का आर्म होल है इसको थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं आप, और यहाँ 4 डॉट लगा सकते हैं आप, ताकि ये डॉट जो हम डॉट लगाएंगे उसका निशान हमको मिलता रहे। इस तरह से दोनों बाजू इस तरह से आप डॉट का निशान लगा लीजिए। अब यहाँ इसको हम साइड में जो है बचे हुए कपड़े में हम आस्तीन निकालेंगे।
तो इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे। और यहाँ फोल्डिंग के लिए आप 1.5 इंची निकाल सकते हैं। आस्तीन की लंबाई 6 इंच है, तो हमने 6.5 इंच पर निशान लगाया। अब यहाँ से डाउन हमको 2.5 इंची का रखना है, तो हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं और इसको थोड़ा सा डाउन कर देते हैं ऐसे। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग कटिंग कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप एक बुजुर्ग महिलाओं के लिए सादा सिंपल ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, कम गले वाला ब्लाउज। तो ये थी आज की वीडियो। नमस्कार।